चुनावी नगरी निकल पड़ी है अपनी चुनावी यात्रा पर और राजस्थान में हो रहे उपचुनावों की 7 सीटों पर जमीनी हकीकत को जानने। चुनावी नगरी की टीम मौजूद है जमीनी हकीकत जानने के लिए रामगढ़ विधानसभा सीट पर। क्या समीकरण बैठ रहे हैं इस बार, क्या माहौल है रामगढ़ का? कांग्रेस पार्टी का है, पूरी बहुत बहुमत से जीतेगी। विकास के कार्य करवाए जुबेर खान जी ने, क्योंकि बार फिर से कांग्रेस फतेह होगी यहाँ से। क्या माहौल लग रहा है इस बार रामगढ़ में? माहौल सही है साहब, कांग्रेस पार्टी का माहौल। माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी का है, उसने विकास के 10 महीने में बहुत विकास का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफ आ जाए, SC जिधर होगी उसकी जीत होगी। SC टूट के नहीं कांग्रेस में आई, कांग्रेस ही आई। हम तो 50 साल से कांग्रेस ही है, कांग्रेस में देते हैं, कांग्रेस में ही रहते हैं। कांग्रेस हमारा परिवार है, कांग्रेस ही हमारा सब कुछ है। 96,000 वोटे हैं मुसलमानों के। जुबेर जी का इंतकाल हो गया था, उनकी सिंपत्ति बहुत काम आई है उनके। रामगढ़ के अंदर विकास को देखे कांग्रेस अभी भी भारी है। कांग्रेस की वोटे हर समाज में से आती है, 36 बिरादरी का साथ है। नमस्कार, द नगरी मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अभिजीत शर्मा। चुनावी नगरी निकल पड़ी है अपनी चुनावी यात्रा पर और राजस्थान में हो रहे उपचुनावों की 7 सीटों पर जमीनी हकीकत को जानने। आज हम मौजूद है रामगढ़ विधानसभा सीट पर। इस सीट का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि BJP ने सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है, जो कि पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान पर विश्वास जताया है। तो देखना होगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प रहता है, यही जानने हम जनता के बीच आपको लेकर चलते हैं और जनता से जानते हैं जनता के विचार। आइए, रामगढ़ विधानसभा सीट को दोनों ही पार्टियों ने साख का सवाल बना रखा है। आज चुनावी नगरी की टीम मौजूद है जमीनी हकीकत जानने के लिए रामगढ़ विधानसभा सीट पर, और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ के समीकरण है। जी, क्या नाम है आपका? प्रभात ही नाम है मेरा। क्या समीकरण बैठ रहे हैं इस बार, क्या माहौल है रामगढ़ का? कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, पूरी बहुत बहुमत से जीतेगी। तो सुखवंत सिंह जी के लिए क्या कहेंगे आप? है जो BJP के प्रत्याशी है सुखवंत सिंह, साल के लिए दिया इसको वोट, हम जुबेर खान को देंगे। जुबेर खान को ही देंगे जी। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, किस तरीके से दोनों ही पार्टियां बड़ी मजबूती से खड़ी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आगामी चुनाव के तहत जुबेर खान जी 11 महीने में हमारे बीच में नहीं रह पाए, कार्यकाल 11 महीने का था उनका। कैसा कार्यकाल था उनका 11 महीने का? 11 महीने का और फिर भी अच्छा कार्यकाल था, बेस्ट थे वो हर चीज़ में। जैसे कि मैं विकास को लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पे लोकल नगर पालिकाएँ, हम स्कूल महाविद्यालय और SDM कोर्ट और पंच नगर पालिका और वो बोल नगर पंचायत, कुछ ये सारे विकास के कार्य करवाए जुबेर खान जी ने। और जब हमारे वो मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने इस कार्यकाल में पूरा कर्म करवाया था। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र है। क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारने वाला है? इस बार बाजी कहते हैं ना कि जैसे तराजू में तुल जाता चुनाव, उसी तरह तुला हुआ है। लेकिन अब की बार इस जो सीट है, इस पे निर्णायक वोट SC समाज के होंगे। अब की बार देखना होगा कि SC समाज किस करवट बैठता है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से SC समाज को बरगलाया कि आज़ाद समाज पार्टी का टिकट लेके जिस तरह सुखवंत चुनाव में कूदे थे, उस हिसाब से जो SC की वोट डाइवर्ट हुई थी, वो वापस से मेरे हिसाब से कांग्रेस में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपने SC के जितने भी प्रतिष्ठित नेता हैं या फिर जो भी प्रतिष्ठित नेतृत्व क्षमता है उनकी, उन्होंने यहाँ पर डर हुआ है। मेरे हिसाब से जिस जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने काम किया है, उससे उम्मीद बन रही है कि बार फिर से कांग्रेस फतेह होगी यहाँ से, फिर से कांग्रेस की फतेह होगी। और भी कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका क्या नाम? मांगेलाल। क्या माहौल लग रहा है इस बार रामगढ़? माहौल सही है साहब, कांग्रेस पार्टी का माहौल है, क्योंकि ये जो सुखवंत है ना, ये पहली बार समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ा था, कुछ SC के वोट इसने तोड़ लिए थे जाति के नाम पर, इसलिए वो वोट अब की बार इसको कांग्रेस को आएंगे, आने ही थे। वो सारे SC के वोट जो कांग्रेस को हैं, मोमडन वोट काफ़ी हैं, 92,000 मोमडन वोट हैं, प्लस SC के, प्लस और सर्व समाज के, इसलिए कांग्रेस की जीत। जी, क्या नाम है आपका? अब्बास सर। बाबूजी सही बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या माहौल लग रहा है? माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी का है, उसने विकास के 10 महीने में बहुत विकास का कार्य किया है। 5 नगर पालिकाएं बना दी रामगढ़ तहसील में, और एक भी रोड ऐसा नहीं है जो कच्चा टूट रहा हो। एक साल के अंदर अंदर उसने बहुत विकास किया है। इस बार आर्यन जुबेर जीतेंगे। आर्यन जुबेर जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम पूर्ण राम है।
राम जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार रामगढ़ विधानसभा सीट? इस रामगढ़ विधानसभा में माहौल है कि पिछली बार सुखवंत आजाद समाज पार्टी से जब जार लड़ा था, अब ये कंडीशन कर दी कि आजाद समाज पार्टी से जो टिकट दिया था सुमन को, वह भी उन्होंने उम्मीदवार को खरीद लिया, तो इस कारण एससी का वोट पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफा जाएगा। एससी का वोट एक तरफा जाएगा जी। बाबू जी, आपका क्या नाम है? बोल बनाया साहब, वैसे ही बता। हम तो अनपढ़ जी जी। और भी कुछ लोग हैं, ये एक बार हमसे दोबारा जुड़ना चाहेंगे जी, बताइए। भैया, इस हिसाब से मैं बताऊं आपको, जिस हिसाब से कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी 5 साल की, जहां तक मेरे हिसाब से जो विधानसभा में जो विधायक थे उन्होंने एक तरह से सुपर सीएम का काम किया है अपने अपने विधानसभा में। सुपर सीएम आप देखोगे कि रामगढ़ में एक भी कस्बा, छोटा सा भी कस्बा नहीं रहा जिसको नगर पालिका दर्जा नहीं दिया गया हो। एक भी मेरे हिसाब से कस्बा नहीं है जिसमें कॉलेज नहीं ले आए हो। एक भी कस्बा नहीं है जहाँ आई एन ऑफिस या फिर जे एन ऑफिस या फिर जो भी बेसिक शिक्षा के डिपार्टमेंट थे वो नहीं आए हों मेरे। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ है मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। मेरे हिसाब से मैं 15 साल से जानने लगा हूँ विधानसभा एरिया को, उसके मतलब जो पिछले 5 साल हुआ वो कभी नहीं हुआ। यहाँ के युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात की है जी। आपका क्या नाम है? प्रतिराम। ये दुकान आपकी है? हाँ जी। देखिए, आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पे तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती है, तो आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ज़मीनी तौर पर होगी कि क्या माहौल चल रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, क्या है। आप बताइए रामगढ़ का क्या माहौल है? माहौल ऐसा है जी, थोड़ा कुछ दिन पहले सुखवंत का ज़्यादा था, अब थोड़ी जो केटली से जो चिन्ह आया है और वह को थोड़ा सा बदलाव से एससी को थोड़ा दर्द हुआ है, तो इसमें एससी की वोटों के निर्भर है, एससी जिधर को होगी उसकी जीत होगी। क्या लगता है इस बार सिंपैथी के वोट भी मिलेंगे? सिंपैथी के वोट भी मिलेंगे? नहीं, वैसे तो खैर अपने जो जुड़ी हुई वो तो आनी आनी है, पर कुछ वोट ऐसी हैं जो एससी पर निर्भर रहेगी, ये बात। तो जिधर को एससी झुकगी उतनी इस तरफ एससी गई उस तरफ पार्टी जीतेगी। तो इस बार क्या लग रहा है एससी किस तरफ पलटेगी? सब एससी अब पार्टी का नाते देख के नहीं, तो एससी टूट के नहीं कांग्रेस में आनी। इस बार आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी परचम लहरा सकती है एक बार फिर से। और भी स्थानीय जनता हमारे साथ मौजूद है जी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदयाल है जी। गुरदयाल जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार रामगढ़ विधानसभा में? क्या लगता है वोट किस करवट पलटेगा? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? कैसे लग रहा है आपको कि कांग्रेस आएगी? भाई, ऐसा लग रहा है कि हम तो 50 साल से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में देते हैं, कांग्रेस में ही रहते हैं। कांग्रेस हमारा परिवार है, कांग्रेस ही हमारा सब कुछ है, और कांग्रेस ने हमारे दलितों के लिए सेवा की है। इस बार दलितों के लिए, एससी समाज के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरफ एससी समाज वोट करेगा उस वो पार्टी इस बार विजयी है, क्योंकि कांग्रेस क्या लग रहा है इस बार एससी समाज किसकी तरफ? 60% वोट कांग्रेस में जाएंगे एससी के। एससी के 60% वोट कांग्रेस में जाएंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पे है मौजूद जी। आपका क्या नाम? मेरा लवी कुमार नाम है। लवी कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं जी। तो क्या लग रहा है वकील साहब कि इस बार क्या माहौल है रामगढ़ विधानसभा? माहौल सिंपल सा है, 96,000 वोटे हैं मुसलमानों की, जिनमें से पिछली बार 75,000 थी, तो अब की बार ये चांसेस बढ़ गए हैं कि जुबेर जी का इंतकाल हो गया था तो उनकी सिंपत्ति बहुत काम आई है उनके। आर्यन जुबेर जी हैं, तो बाकायदा आज भी उनका आए थे यहाँ पे, बड़े बड़े नेता आए थे, तो वो भावुक हो गए थे अपने पिताजी को लेकर के। उन्होंने विकास किया है यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा में, ये मान के चलो कि उनका जब स्वास्थ्य खराब था तब भी वो जनता के बीच में नहीं रुके। तो ये चीज़ आज लोग बाग देखें, रामगढ़ के अंदर विकास को देखें, तो कांग्रेस अभी भी भारी है बीजेपी की वजह। 15 साल बीजेपी ने राज किया था पहले, और 15 साल कांग्रेस ने राज किया, तो ये 30 सालों में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है कि कौन परिवर्तन लाया है कौन नहीं लाया। और आंकड़ा किया जाए वोटों का तो 90,000 वोट मिनिमम अब की बार मुसलमानों की, समझो आप 96 में से, प्लस एससी की वोटें आएंगी अब की बार। जो सुखवंत जी थे तो उन्होंने क्या किया था कि आज पर एससी को लेकर के बड़ी कॉन्फिडेंट है यहाँ की जनता की कांग्रेस की तरफ वोट जाएंगे, तो इसका क्या कारण? कांग्रेस की तरफ इसलिए जाएंगे कि सुखवंत जी ने आजा समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था,
तो उन्होंने लड़ा था तो 74,000 कुछ वोटें आई थी उनकी, तो आई थी तो उन्होंने कभी भी एससी के पास जाके ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जाके शामिल हो जाऊं। उनका बनता था कि मैं जिस चुनाव लड़ा हूं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ा हूं, उनके पास जाऊं एक बार, उनसे कहूं कि मैं इस पार्टी में शामिल होना चाहता हूं। तो यहां से गुस्सा है एससी के लोगों में कि हमसे पूछा नहीं, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा और उतर गए, वोट दिए एससी ने, झड़के वोट दिए थे एससी ने पिछली बार, तो इस वजह से भड़के हुए हैं एससी के लोग जितने भी हैं, उनका मनोबल तोड़ दिया विश्वास अंदर। ये कहा जाए तो एससी अब की बार, बाबा साहब कह रहे थे कि 60% या 70% जाएंगी अब की बार, और फिर अदरवाइज और भी जातियां हैं, सब में से आएंगी वोटें। कांग्रेस की वोटें हर समाज में से आती हैं, ये स्पेशल नहीं है कि मोमडन ही देते हैं, एससी वाले देते हैं, स्वर्ण कास्ट में से भी आएंगी, राजपूत समाज उसमें से भी आएंगी, और गुजर समाज है, सब समाजों में से आएंगी, 36 बरादरी का साथ है इनको, तो वोटों को गिनती की जाए तो पार हैं अब की बात, आंकड़े हैं ये जो कहते हैं रामगढ़ विधानसभा के। तो आपने देखा कि ये था रामगढ़ की जनता का मूड, जिनका कहना है कि रामगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ एससी वोटर्स की वोटिंग पर टिका हुआ है, एससी वोटर्स जिस पार्टी को वोट करेंगे ऊंट उस करवट बैठेगा। तो अब ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा सीट पर, तब तक के लिए नमस्कार।